Hello students, today we will discuss chapter 4 from the diary of Anne Frank. Anne Frank की एक diary है, उसके बारे में पढ़ेंगे, written by Anne Frank. तो स्टूडेंट, इससे पहले हम थोड़ा बिफोर यू रीड है वो देख लेते हैं, और आप उसको, क्योंकि बिफोर यू रीड में काफ़ी कुछ ऐसा है जो हमें देखना है और उसी के बेस पे आगे स्टोरी है. तो ये इसका पूरा नाम है एनालाइज मारिया एनी फ्रैंक, और उसका जन्म है वो जून 1929 में हुआ फरवरी, और 1945 में उसकी डेथ हो गई. तो आप देख सकते हो लगभग 15 साल की थी जब वो मर गई थी, और वो एक जेविस गार्ड थी. और वो अपने जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो वो अपने काफ़ी फ्रेंड्स के साथ छुप जाती है. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम वो एमस्टर्डम में रहती है जो नीदरलैंड की कैपिटल है. अब एनी फ्रैंक है वो अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ छिप जाती है, तो उसको काफ़ी देर कुछ टाइम बाद उसको ढूंढ लिया जाता है. वो 1942 में है, वो हिडन होती है, तो आप देख सकते हो लगभग वो 13 ईयर्स ओल्ड है. और वो एक रूम में छिप जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मिली और उस और दूसरे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो. और ऑटो फ्रैंक इसके फादर का नाम है, वो एक ऑफिस बिल्डिंग में उस जहाँ पर इसके फादर वर्क करते हैं वहीं पर छुप लगभग दो साल तक वहाँ पर लगभग दो साल तक वहाँ पर छिपे रहते हैं. और वहाँ पे जब वो मिल जाते हैं तो उनको कंसंट्रेशन कैंप, जो कारागार होता है, उसमें डाल दिया जाता है. और उस कारागार का नाम होता है बर्नन बेल्सन. और टाइफस से इसकी डेथ हो जाती है, उससे पहले इसकी सिस्टर जो मार्गोट फ्रैंक है उसकी डेथ हो जाती है. इस कारण इसके फादर हैं सिर्फ वही बचते हैं, और उसके फादर वापस जो एमस्टर्डम में रहते हैं वापस ये आ जाते हैं, और वर्ल्ड वॉर है वो भी लगभग ख़त्म हो जाता है. और उसके फादर हैं जब वो घर वापस आते हैं तो उनको एक डायरी मिलती है, उस वो डायरी का नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. और आज हम उसी डायरी का कुछ पार्ट है यहाँ पर पढ़ेंगे. अब द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ. और उसने लगभग 12 जून 1942 तक के कुछ किस्से अपनी इसमें शेयर किए हैं अपनी डायरी में. ये डायरी है उसके पहले तो ओरिजिनली डच जो लैंग्वेज है उसमें लिखी गई थी, और इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द आवर चैप्टर, पेज नंबर 50. सो स्टूडेंट्स, अब स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 50. राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. डायरी लिखना एक अलग ही स्ट्रेंजफुल एक्सपीरियंस है मेरे जैसे के लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन else will be interested in the musings of a 13 years old school girl. ऐसा नहीं कि मैंने कभी डायरी नहीं लिखी है, बट musings means होता है thoughts, कि जो पढ़ने वाला है वो क्या सोचकर पढ़ेगा कि एक 13 years old school girls है, उसके thoughts कैसे होंगे. ओ वेल, इट doesn't matter, ये मैटर नहीं रखता. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन even greater needs to get all kinds of things off my chest. और अब वो बोलती है कि ये मैटर नहीं रखता, क्योंकि उनको एक greater need है kinds of things off my chest. वो अपनी बातें है किसी से साथ शेयर करना चाहती है. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय लोगों के. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग वन On one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. और ये विचार उसको तब आता है जब वो अपने घर में बैठी होती है और बहुत depressed होती है, और अपने chin को, अपने chin in my hands को chin पे touch कर रखा है, और वो बहुत ही बोर और listless, मतलब without energy होती है. तो वो सोचती है कि वो घर के बाहर जाए या फिर घर में ही रहे. I finally stayed where was brooding मतलब deep thought. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this steep backed notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend, it
प्रॉब्ली वुड नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। और अब वो बोलती है कि फाइनली उसको डायरी लिखने का मन होता है और वो बोलती है कि मैं इस डायरी में कुछ भी लिख सकती हूँ क्योंकि मेरा कोई रियल फ्रेंड तो है नहीं, और जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता मैं ये डायरी उसी के लिए लिखूँगी, मतलब ये डायरी के बारे में उसी को दिखाऊंगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोमोटेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव ए फ्रेंड। अब ये बात दिखाती है कि इसका कोई दोस्त नहीं होता है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब किसी भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल है वो इस वर्ल्ड में अकेली है, मतलब उसका कोई फ्रेंड नहीं है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर। मेरे लविंग पेरेंट्स है और एक बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल के आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 जितने लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स बुला सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम। मेरा अच्छा घर है, लविंग आंट्स हैं, नो वन ऑन द सर्फेस। आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई ओन ट्रू फ्रेंड। मेरे पास देखा जाए तो सब कुछ था बजाय एक ट्रू फ्रेंड के। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, ऐसा फ्रेंड जिसके साथ मैं अपना गुड टाइम स्पेंड कर सकूं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग्स। मेरे पास सब कुछ था। एंड वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एन क्लोजर, एंड दैट इज़ प्रॉब्लम। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि मुझे ऐसा फ्रेंड नहीं मिला था जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकूं, उसको अपना सब कुछ बता सकूं। ये पता नहीं ये मेरा ही फॉल्ट था कि मैं ही सबके साथ मैच नहीं हो पा रही थी। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल। लाइबल मीन्स होता है दुर्भाग्यपूर्ण। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही कारण था कि मैंने अपना डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, लॉन्ग वेटेड फ्रेंड यहाँ पे कौन है, डायरी, माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द, जॉट मीन्स फैक्ट्स इन डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट टू द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल हिज फ्रेंड किट्टी। अब उसने डिसाइड किया कि वो डायरी लिखेगी और उसका नाम देगी किट्टी। इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। आंसर है, राइटिंग इन ए डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक एज शी नेवर हैड ए डायरी एंड इट वॉज अ गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे। शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड ऑन विच शी रिलाइड द मोस्ट एंड विद होम शी शेयर ऑल हर अप्स एंड डाउन। ऐसा फ्रेंड चाहिए जिसके साथ वो सब शेयर करे। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप ए डायरी, एनी ऑलवेज फील्स लॉनली एंड डिस्ट्रेस, सो टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन एंड पेन शी वॉन्ट्स टू कीप ए डायरी इन विच शी फाइंड ए ट्रू फ्रेंड्स एज शी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड्स हुम शी कुड कॉन्फिडेंट इन। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डिड एनीथिंग सी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। एनी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस द पीपल द लिसन टू हर प्लाइट, सो इट वॉज ईजियर फॉर टू राइट काइंड एंड थॉट्स विच शी हैड इन हर माइंड एंड हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मीन फॉर एनी वन हैज टू रीड। सो ये इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, सीन्स नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ मैनी स्टोरीज टू किट्टी इफ़ आई वर टू प्लंग राइट। प्लंग राइट मतलब जो जंप होता है ना, राइटिंग का मतलब ऐसे ही जाने देते हैं, प्लंग राइटिंग जंप। आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। और वो बोलते हैं कि मैं इस डायरी में, मेरी जो किट्टी नाम की मैंने डायरी बनाई है उसमें मैं ऐसी स्टोरी डालने चाहती हूँ और उसका एक ब्रीफ स्केच है वो अपनी लाइफ का देना चाहती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडरेबल फादर, मेरे फादर थे बहुत ही लवली फादर थे, आई हैव एवर सीन, जब से मैंने उनको देखा है। डिडेंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36, और उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए। एंड शी वॉज 25, और उसकी मदर थी वो 25 ईयर्स की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और उसकी
सिस्टर है वो 1926 में उनका जर्मनी में बर्थ हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा बॉर्न 12 जून 1929 में हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। My father emerged to Holland in 1933 और मेरे फादर हैं वो इमिग्रेटेड मतलब होता है अदर कंट्री में जाना, हॉलैंड चले जाते हैं 1933 में। My mother Edith, इनकी मदर का नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर और सेप्टेम्बर में इनकी मदर है वो भी अपने हस्बैंड के साथ मतलब इसके फादर के पास चली जाती है। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर और मार्गरेट उसकी बहन और एनी को दोनों को एकेन उसकी दादी के पास भेज दिया जाता है। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी और उसकी जो बहन है वो भी दिसंबर में चली जाती है और फरवरी में ये इसका एनी फ्रैंक का जाना होता है। वेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट और जब ये फरवरी में जाती है तो एज ए बर्थडे गिफ्ट जैसे इसको टेबल के ऊपर एज ए प्रेजेंट रख दिया जाता है इसको एनी को। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती हैं। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 जब वो 6 ईयर्स की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म जब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज कोप्रेज द हेड मिस्ट्रेस इनकी एक टीचर थी मिसिज कोप्रेस जो इनकी हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी शेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल जब वे इनका फेयरवेल होता है ये उनके साथ बहुत अटैच थी तो ये बहुत इनका अटैचमेंट ज़्यादा होने के कारण इनकी फेयरवेल पे ये रोते हैं। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटल सेलिब्रेशन। 1941 में इनकी जो दादी है वो बीमार हो जाती है और उनके बर्थडे पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। ग्रैंड मा डाइड इन जनवरी 1942 दादी माँ 1942 में मर जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर और कोई नहीं जानता सिवाय मेरे कि मैं उनको कितना याद करती थी और कितना प्यार करती थी। थिंक बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट और जब मेरा नेक्स्ट बर्थडे आया तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया और एक कैंडल दादी माँ के लिए भी जलाया गया। The four of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. और मैंने अब यहाँ पे 1942 20 जून में मैंने अपनी डायरी है वो सिंसियरली लिखना स्टार्ट किया। यहाँ के क्वेश्चन है why does Annie provide a brief sketch of her life? आंसर है बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एनी वांट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली रिलेटिव्स एंड हर एज दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप ए कनेक्शन विद द ऑथर। नेक्स्ट है व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर आंसर है एनी लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर For some time while her parents settled down in Holland, she was very close to her grandmother. She writes in her diary, no one knows how often I think of her and still love her. On her 13th birthday, by lighting up one candle for grandmother, she shows her love to her. अब ये डायरी है उसको लिखना स्टार्ट करती है डियरेस्ट किटी एंड डेट Our entire class is quaking in its boots. Quaking in boots मतलब होता है shaking with fear and nervousness. जब वो डायरी लिखती है तो नर्वस होती है. The reason of course it is forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next room, who will be kept back. और ये जब लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं तो इनका रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला होता है और ये सोचते होते कि कौन क्लास में आगे जाएगा और कौन पीछे जाएगा, कौन पास होगा कौन फेल। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स लगभग आधी क्लास है वो शर्ते लगा रही थी। जी एन एंड आई लाफ्ड कोई इसकी फ्रेंड है और मैं हंसे और सेल्फ सीली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस सी एन एंड जैकेस जो जैकेस हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट जब ये लोग बैठे रहते तो इनके पीछे कोई टू बॉयज़ है वो बैट लगाते रहते हैं और उन्होंने जो अपनी हॉलीडे में सेविंग की थी वो पूरी सेविंग बैट लगा दी है शर्त पे रख दी है।
मॉर्निंग से नाइट तक वो लोग यही शर्त लगाते रहे, इट्स यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं होऊंगा, यस यू आर, नॉट आई एम। तो इस तरह से वो सुबह से शाम तक यही बैट लगाते रहे कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। प्लीडिंग मतलब ग्लैंसिस, प्लीडिंग मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट से, आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। मैं मेरी जो फ्रेंड थी जीएस, उसने रिक्वेस्ट किया और इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज, डमीज मतलब स्टूपिड, दैट अबाउट क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी किप्ड बैक, द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेड क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। और मैं भी मेरी जो फ्रेंड थी उसने रिक्वेस्ट की और मैं भी बहुत गुस्से से उनको काफ़ी बार कहा कि चुप रह हो जाओ, जो जो डमी स्टूपिड्स स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ अपने क्लास में रहेंगे और कुछ आगे चले जाएंगे और कुछ इसी क्लास में होंगे, और टीचर है वो अनप्रिडिक्टेड क्रिएचर है ऑन द अर्थ, कुछ भी वो कर सकता है, उसकी विश है कि वो पास करता है कि फेल करता है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। मुझे कोई चिंता नहीं थी ना अपनी फ्रेंड्स गर्ल फ्रेंड्स की और ना ही मेरी, क्योंकि हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ्स, और खाली मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें श्योर नहीं थी। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट्स, और बोलती कि चलो देखते हैं, अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और तब तक हम लोग अपना हिम्मत है हम नहीं खोएंगे। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। वो अपने सभी टीचर्स को पसंद करती थी, उसके लगभग 9 टीचर्स थे, उसमें 7 मैन और 2 वुमेन थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी मतलब ओल्ड फैशनेबल पर्सन, नॉट फैशनेबल पर्सन, हु टीचेज मैथ्स, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, वो जेन्यूड विद मी इज बिकॉज आई टॉक्ड सो मच आफ्टर सर्वर वार्निंग, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। वो मुझसे हमेशा गुस्सा रहते थे और वो मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी इसलिए उन्होंने मुझे अलग से एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक एसे लिखने के लिए ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं उसके ऊपर एक एसे लिखने के, ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, उसके ऊपर कैसे लिखा जाएगा। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइड, मैंने उस बारे में मैं बहुत वरीड हो गई, चिंतित हो गई, मैंने डिसाइड किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और उसने वो टाइटल अपनी नोटबुक में लिख लिया, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और उसने अपने बैग में रखने के बाद वो एकदम से शांत हो गई। तो स्टूडेंट आगे जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको इस ये चैप्टर रीड करना है और इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन है वो प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।